और सरकार ने बजट से पहले और जीएसटी के बाद बड़ा रिफॉर्म किया। सरकार ने इकोनॉमी को एफडीआई का बूस्टर दिया। कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में भी सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को हरी झंडी दी। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन और पावर सेक्टर में भी विदेशी निवेश के लिए नियम आसान किए गए। जीएसटी के बाद सरकार का बड़ा रिफॉर्म। बजट से पहले एफडीआई का बूस्टर। विदेशी निवेश से मिलेगी ग्रोथ को रफ्तार। मोदी सरकार रिफॉर्म्स के एजेंडे पर पीछे नहीं हटना चाहती है। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार बड़े फैसले लेने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। कैबिनेट ने रिटेल सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। ये निवेश ऑटोमेटिक रूट के जरिए होगा। इससे पहले एफडीआई के तहत निवेश करने पर एफआईपीबी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। विदेशी रिटेलर्स भारत में निवेश करने के लिए और प्रेरित हों, इसके लिए सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल के तहत 30% लोकल सोर्सिंग के लिए 5 साल का वक्त देगी। पहले ये 3 साल था। साथ ही अभी जितना भी ग्लोबल सोर्सिंग के लिए प्रोक्योरमेंट होता है उसमें जितनी बढ़ोतरी होगी उसे ही सिर्फ 30% में शामिल किया जाएगा। देखिए, लोकल सोर्सिंग के जो 30% रिक्वायरमेंट है वे किसी भी सिंगल ब्रांड रिटेलर के लिए है हमेशा के लिए। ये आज यह फैसला हुआ है कि जो ग्लोबल मार्केट के लिए भी सोर्सिंग करते हैं उनको पहले 5 साल में वो उसमें जो अगर कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है उसका भी हम क्रेडिट देंगे। यही केवल व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई को हरी झंडी दे दी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को पावर एक्सचेंज में निवेश को मंजूरी दी है। आईपीओ के जरिए पावर एक्सचेंज में निवेश को मंजूरी दी गई है। वहीं विदेशी एयरलाइंस को अब एयर इंडिया में 49% तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। लेकिन विदेशी एयरलाइंस सरकार से मंजूरी के बाद ही एयर इंडिया में निवेश कर पाएंगी। माना जा रहा है कि इससे एयर इंडिया में विनिवेश करने में आसानी होगी। एफडीआई फैसिलिटेट्स फास्टर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एफडीआई डिनोट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स इनटू इंडियन इकोनॉमी। एफडीआई ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी। एफडीआई ब्रिंग्स इन नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स। द सेविंग्स ऑफ इंडिया आर राइजिंग अलॉन्ग विद दैट। इफ वी गेट मोर एफडीआई ऑब्वियसली दैट विल फैसिलिटेट स्पीडियर डेवलपमेंट। सो वी रिव्यूड द रोड ब्लॉक्स एंड वी आर डिसाइडेड टू अलाउ सर्टन सेक्टर्स इन विच विल गेट इन्वेस्टमेंट्स। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ने से इसका असर क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। विदेशी कंपनियां अब भारत में किसी भी कंपनी को आसानी से खरीद सकती हैं। साथ ही विस्तार करने के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी, लिहाजा ऐसे में नए प्लांट भी लगेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन यानी सीएआईटी ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ऐसा करके बीजेपी ने अपना चुनावी वादा तोड़ा है, क्योंकि इससे बाहर की बड़ी कंपनियां भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगी। जीएसटी के बाद सरकार ने कई सेक्टर में एफडीआई नियम आसान करने के बाद अपनी मंशा साफ कर दी है। इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटेगी। बजट में भी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले लेकर ऐसे ही चौंका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेशी निवेश के फैसले का विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया है और सीपीएम नेता प्रकाश करात ने कहा कि रिटेल सेक्टर में एफडीआई बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ेगी, जबकि एयर इंडिया में विदेशी निवेश बढ़ने से हवाई किराए बढ़ जाएंगे। हमारे देश में खुदरा व्यापार क्षेत्र में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार है, रोजगार पैदा करती है, और विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ खुदरा व्यापार में प्रवेश करने से बहुत से छोटे दुकानदार और व्यापारियों का आजीविका खत्म हो जाएगा और बेरोजगारी और बढ़ेगी। ये पहले भी पिछले सरकार यूपीए सरकार ने भी कोशिश की थी, उस समय हमने डट के विरोध किया था उसका, और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थे वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया था। अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ही चलेगा तो किराया बढ़ेगा, सुविधाएं कम होती है, किराया लगातार बढ़ती जाती है, और इसके बारे में बहुत से शिकायतें हैं अभी।
अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे तो 3,500 रुपया कैंसिलेशन फीस देना पड़ता है, 5,000 का टिकट करो तो 3,500 कैंसिलेशन, इस तरह लूट होगा। तो प्राइवेट कंपनियों को देने का मतलब यही है।